हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्विगिजी मॉल। तो जैसा आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे बहुत सारे अरेबिक परफ्यूम या फिर जो भी इंडियन इसेंशियल ऑयल्स है उनके बारे में डिटेल्स बता रहा हूँ। तो आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोई अत्तर नहीं है, ये डिओड्रेंट है। इसके लिए भी मतलब मुझे अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट आई थी और एक DM भी आया था इंस्टाग्राम पर, तो इसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो ये है रसासी के 3 डिओ, ये है चेस्टिटी गोल्ड, ये ब्लू लेडी और ये रोमांस ग्रीन। इन तीनों की खास बात ये तीनों स्पेशली मेड फॉर लेडीज़ है, मतलब ये लेडीज़ वर्जन है। इनके मेंस परफ्यूम भी आते हैं, जैसे कस्टिटी गोल्ड लेडीज़ है तो कस्टिटी ब्लैक आता है, सॉरी चेस्टिटी ब्लैक आता है मेंस के लिए। ये ब्लू लेडी है तो ब्लू फॉर मैन भी आता है, और ये रोमांस ग्रीन है तो रोमांस ब्लू आता है जो मेंस के लिए होता है। तो अगर आपको, आप में से अगर किसी को उसके बारे में अगर रिव्यू चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिए या फिर इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। फिलहाल तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे जो आज के परफ्यूम्स है, जो आज के डिओड्रेंट है उनके साथ। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लू, इसके साथ जो ब्लू लेडी अपना परफ्यूम है, मतलब जो ब्लू लेडी का डिओ है रसासी का, इसके साथ। आप अगर इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो मेरे चैनल में एक वीडियो है जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जो कि ब्लू लेडी का जो परफ्यूम आता है स्प्रे परफ्यूम विदाउट अल्कोहल, उसके बारे में वो वीडियो है वहाँ पर। और अगर आपको इसके बारे में, तो इसमें अल्कोहल होता है क्योंकि ये गैस कंटेंट है इसके अंदर, तो इसके साथ इसमें अल्कोहल होता है। ये मेटेलिक, ये एक थोड़ा प्लास्टिक, थोड़ा मेटेलिक बोल सकते हैं हम लोग, प्लास्टिक नहीं लेकिन मेटेलिक बॉडी है। और यहाँ पर एक कैप दिया उन्होंने, ये प्लास्टिक का कैप है, और ये यहाँ से उसको मतलब यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ से इन्हें प्रेस करना है हमें, देखिए इस तरह से। तो इसमें गैस है, इसकी वजह से इसके अंदर अल्कोहल भी है। यहाँ पर उन्होंने डिस्क्रिप्शन कुछ दिया हुआ, इंग्रेडिएंट बताया उन्होंने, आप इसमें देखकर पढ़ सकते हैं। अल्कोहल डेंट है इसके अंदर, जिसे मैंने आपको बताया कि इसमें अल्कोहल होता है, तो ये अल्कोहल है। और बात करें अभी हम लोग इसके खुशबू की, तो एक मतलब ऐसे कूल, ऐसे फ्रेशनेस वाली फ्रेग्रेंस है इसकी, एकदम माइल्ड है। अगर हम लोग स्टार्टिंग में अगर इसे अप्लाई करते हैं ना, तो ऐसे रिफ्रेशिंग सी ऐसी फ्रेग्रेंस है, एकदम माइल्ड सी ऐसी, और थोड़ी सी उदी और मस्की है, एक हल्का सा फ्लोरी नोट भी है। अगर मैं उदी और मस्की बात करूँ तो ये एक उसका मिडल नोट होगा, और बेस नोट की अगर बात करूँ ना तो हल्की सी फ्लोरी है, जो हम लोग बोल सकते हैं रोज़ की, और एक जो यालंग फ्लावर होता है उसकी एक हल्की सी महक इसमें है। तो अगर आपको इसकी मतलब महक अगर लगी आपको अच्छी, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। बाइंग का मैं ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में आपको मैं डिटेल्स बता दूंगा। ये जो हमारा सेकंड परफ्यूम है ये है रोमांस ग्रीन, इसमें जैसे मैंने आपको बताया रोमांस ब्लू भी आता है फॉर मेंस, ये है रोमांस ग्रीन फॉर वुमेंस। इसके हम लोग आज जैसे पैकिंग देखिए सबकी सेम है, मेटेलिक बॉटल, यहाँ पर उसका नीचे मैन्युफैक्चरिंग एंड ये लिखा होता है, मेटेलिक बॉटल है और ये प्लास्टिक कैप, और सेम एज इट इज़ यहाँ से निकलता है। तो अगर हम लोग इसकी खुशबू की अगर हम लोग बात करें, तो एक सॉफ्ट एंड माइल्ड लेकिन स्वीट सी ऐसी फ्रेग्रेंस है इसकी। ये रोमांस की अगर हम लोग बात करें ना, जैसे एज इट इज़ इसका अत्तर आता है 15 ml, 45 ml का इसका स्प्रे परफ्यूम आता है, 15 ml का इसका अत्तर आता है, और ये 200 ml का इसका डीओ आता है, सेम रसासी कंपनी का सेम प्रोडक्ट आता है। तो अगर हम लोग बात करें तो एज इट इज़ अत्तर जैसी इसकी खुशबू है, एक कंप्लीट हम लोग बोल सकते हैं ना बैलेंस है, ज़्यादा हार्श नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, एक कंप्लीट बैलेंस है हार्शनेस एंड सॉफ्टनेस का। तो इसकी वजह से शायद ये देखिए यहाँ पर इसके बारे में बताए, ये सेम इसका अत्तर है 15 ml का, ये उसी का डिओड्रेंट है, और एक इसमें भी फ्लोरीनेस है, और एकदम हल्का सा ना सिट्रस है इसमें, लेमन का एक परमानेंट नोट आ रहा है इसमें, हल्का सा सिट्रस नोट है, तो इसकी वजह से शायद इसकी महक इतनी अच्छी है। और थर्ड जो हमारा है, ये स्पेशली मुझे बहुत पसंद आया, इसकी महक मुझे काफ़ी हद तक बहुत अच्छी लगी, चेस्टिटी गोल्ड। इसमें जो मेंस एडिशन आता है वो आता है चेस्टिटी इसका ब्लैक, सेम मेटेलिक बॉटल, प्लास्टिक कैप, और वो। और हम लोग अगर इसकी बात करें महक की, तो इसकी खुशबू एक एरोमेटिक और मस्की स्मेल है इसमें, एकदम स्मूथ ऐसी रिफ्रेशिंग महक है, लेकिन स्पेशली ये मुझे अच्छा लगा। वैसे तीनों की फ्रेग्रेंस अगर हम लोग बात करें ना, तीनों की खुशबू काफ़ी बढ़िया है। ये तीनों में एक है कि इसका अत्तर भी आता है, स्प्रे परफ्यूम भी आता है, इनका स्प्रे परफ्यूम आता है और डिओड्रेंट आता है, और इनका भी स्प्रे परफ्यूम और डिओड्रेंट, ये तीनों आपको
अत्तर में भी रोमांस खासकर अत्तर में अवेलेबल है, स्प्रे परफ्यूम में अवेलेबल है और डिओड्रेंट में भी अवेलेबल है। और ये दोनों जो ब्लू लेडी और चेस्टिटी गोल्ड है, ये आपको स्प्रे परफ्यूम में और डिओड्रेंट में अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको बताया था इनमें अल्कोहल है, तो अगर कोई ऐसा है जिसे अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम नहीं पसंद तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यूज़ ना करें। वैसे यूज़ करने में इतनी दिक्कत नहीं है, केमिकल अल्कोहल होता है, लास्टिंग बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है उसे, या फिर जो गैस, क्योंकि इसको कैसे, इसको हम लोग स्प्रे नहीं करते, इसको वन टाइम प्रेस करें वो ऑटोमेटिक बाहर आता है। ये बॉडी डिओड्रेंट है, आप इसे डायरेक्टली बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने अंडर आर्म्स में, चेस्ट पे, जहाँ पे आपको अगर ज़्यादा पसीना आता है। अभी हम लोग बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन की। तो इसकी प्रोजेक्शन आप जैसे अप्लाई करोगे तो आपको पहले 1-1.5 घंटे आप खुद इसे महसूस कर सकोगे कि हाँ आपने कुछ खुशबूदार चीज़ लगाई है। डायरेक्टली बॉडी पे अप्लाई करना है, अल्कोहल है लेकिन बॉडी पे कुछ भी उसका हार्मफुल नहीं है। मैं खुद अप्लाई, मतलब मैंने अपने फैमिली में ये देकर रखा था तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ इसमें अच्छा इफेक्ट है इसका। सेकेंडली लॉन्ग लास्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो 3-4 घंटा अगर आप अच्छे वॉल्यूम में अप्लाई करते हो ना, तो 3-4 घंटा आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो आप जिम वगैरह जाते हो कोई, वैसे फ़िलहाल तो जिम बंद है, लेकिन अगर आपका पसीना आने वाला काम है तो आप इसे आपके बैग में कैरी करना। मैं तो कहूँगा डेफिनेटली आप इन, मतलब कोई भी जिसकी महक आपको पसंद है आप उसे अपने बैग में कैरी करना। जैसे आपको लगे कि आपको ज़रूरत है थोड़ा सा अप्लाई कर दो, तुरंत विद इन अ सेकेंड आपका जो भी है, मतलब स्वेट की वजह से, जो पसीने की वजह से जो बदबू आती है वो सारी तुरंत गायब हो जाएगी। इतना अच्छा इफेक्ट है इसका। काफ़ी ब्रांडेड कंपनी है, दुबई की रसासी, उसके 3 प्रोडक्ट है। इसके और भी डीओ है, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसके मुझे डीएम करके बता सकते हो, मैं उसके भी रिव्यू बता दूंगा। और किसी को, जैसे मैंने पहले बताया, अगर किसी को इसके जो मैन एडिशन है, ब्लू फॉर मैन, रोमांस मैन एंड कस्टिटी ब्लैक, सॉरी चेस्टिटी ब्लैक, ये नाम में मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर इसके बारे में आपको किसी को भी मेंस जो एडिशन है उसकी अगर वीडियोस देखनी है तो मुझे बता देना, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वीडियो में कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग नए हो इस चैनल के लिए तो वीडियो सब्सक्राइब करना, ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर मान लो आप परफ्यूम नहीं यूज़ कर रहे हो लेकिन अगर आपके कोई फ्रेंड यूज़ करते होगा तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। और स्पेशली मैं, अगर आप जेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग हमेशा सोचते हैं किसी लेडीज़ को गिफ्ट क्या दे, तो आपकी लाइफ में कोई भी हो, आपकी फ्रेंड्स होगी, आपकी सिस्टर होगी, की गर्लफ्रेंड होगी, उनको अगर गिफ्ट देने में कन्फ्यूजन होता है तो ये बेस्ट गिफ्ट हो सकता है मेरे हिसाब से। उन्हें पसंद भी आएगा, आप एक बार देकर देखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों ने मुझे इसको, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है मेरी वेबसाइट पे पूछा था गिफ्ट के लिए। हम लोग डायरेक्टली गिफ्ट रैप करके भी भेजते हैं, तो आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। प्राइस इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है इसकी, अमेजोन से लोगे तो 350 के करीब आपको मिल जाएगा, और मैं जो लिंक दूंगा आपको वहाँ से आपको 300 रुपये में मिल जाएगा। तो ये लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स।